गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला शनिवार को यादव धर्मशाला महेंद्रगढ़ में कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन में पहुंचे। जेल से रिहा होने के बाद वे पहली बार महेंद्रगढ़ में पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि रूठों को मनाकर संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जेबीटी भर्ती में जब वह जेल गए तो कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि इनेलो खत्म हो जाएगा, लेकिन वर्करों ने पार्टी को संभाले रखा। उन्होंने गठबंधन सरकार पर कहा कि आज उन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है जिन्होंने हमेशा जनता को परेशान किया। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि कुछ कार्य हमारी पार्टी ने पहले पूरे किए, लेकिन अब कुछ कार्य अब पूरे किए जाएंगे। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र ने 3 कृषि काले कानून बनाए, वैसे ही प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियम में संशोधन कर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। हमने अपने किए हुए कार्य पहले पूरे किए, जो रह गए वो सरकार बनने के बाद फिर पूरे। हमारी भाषा में हम विवाद है, कहने सारी रात रोई एक मर्याद में पूछी, तो मैंने खोल के ये बात की। आपको तो शायद इस बात का ध्यान भी नहीं था कि ऐसा कानून बनाया। मैंने खोल के बताया कि ऐसा कोई है, उसका डॉक्टर भी पूछेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में विपक्ष की पार्टियों के जो नेता होंगे हम उन सबको निमंत्रण देंगे। अब उसमें से कौन कौन आएगा ये तो आप सुनो, मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, आप भी वहाँ आएंगे। वहीं जींद में होने वाले कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियों के जो नेता होंगे उन सभी को आने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ से वी न्यूज के लिए सुशील शर्मा की रिपोर्ट।